गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टाइम, आज हम लोग रीड करेंगे टाइम। मैथ्स, एवरी क्लॉक हैज़ टू मेन हैंड, द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड। हर घड़ी में दो सुई होती हैं जिसे हम बड़ा और छोटा सुई के नाम से जाना जाता है। बड़ा सुई जिसे हम मिनट के नाम से जानते हैं और छोटा सुई जिसे हम घंटा के नाम से, आवर के नाम से जानते हैं। अब आओ हम लोग कन्वर्स करते हैं, कन्वर्सेंट ऑफ आवर्स ऑफ मिनट इनटू सेकेंड, घंटा को सेकेंड में बदलना। कैसे बदला जाता है, वी हैव द फ्लोइंग, देखते आगे बढ़ते जाओ। वन मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, एक मिनट बराबर 60 सेकेंड एंड 2 मिनट्स इक्वल टू 2 × 60 सेकेंड इक्वल टू 120 सेकेंड, 120 सेकेंड होता है। इसीलिए 3 मिनट्स इक्वल टू 3 × 60 सेकेंड इंटू 180 सेकेंड इन बराबर 180 सेकेंड होता है। आप तो जानते हैं इस चीज़ को ना। लेटेस्ट से अब हम इसे करके देखते हैं। 60 मिनट्स इक्वल टू 60 × 60 इक्वल टू 600 सेकेंड, 3600 सेकेंड जिसे हम कहते हैं। वी नाउ डैट 1 आवर, एक घंटे में 60 मिनट होता है। हम लोग जानते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है, इसीलिए 1 आवर इंटू 3600 सेकेंड, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। इसीलिए एक्सरसाइज आप मल्टीप्लाई एक्सरसाइज 12 × 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स आर 3 in there in 6 days, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 6 days। इसे कह रहा है कि 6 days में कितने घंटा होगा, तो इसलिए इसको आप जो है ए वाला ऑप्शन जो है 144 आवर्स, इस पर आप टिक कर लीजिए। एंड सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट डेज इंटू आवर, बी मल्टीपल द नंबर ऑफ डेज बाई। आप इसे कह रहा है कि डेज ऑफ आवर्स बी मल्टीपल द नंबर ऑफ डेज, इसको हम डेज में कैसे मल्टीपल करेंगे, तो 24 डेज होगा, ठीक है, उस पर आप टिक। एंड लेटेस्ट नाउ आप सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट इंटू आवर्स, अब हमें कह रहा है कि इसको घंटा में हमको बदलना है। 5 डेज दिया हुआ है बुक में, इसको आपको घंटा में बदलना है। 5 डेज इन इक्वल टू 5 × 24 आवर्स, इसको 5 दिन को हम घंटा में, एक दिन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक दिन में कितना घंटा होगा, 24 आवर इक्वल टू 120 आवर्स, 120 घंटा। 5 डेज में कितना घंटा हो जाएगा, 120 घंटा। सेकेंड 12 डेज इक्वल टू, अब उसको इसी तरीका से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, 12 × 24 आवर्स, जितने दिन होगा उसको मल्टीप्लाई 24 से कर देंगे, जिसका मेरा आंसर निकल जाएगा 288 आवर्स, 12 दिन में 288 घंटा होता है। 10 डेज, 10 को उसी तरीका से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 24 आवर्स इक्वल टू 240 आवर्स, 240 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 months 5 days, अब इसको हमको कह रहा है कि 2 months 2 महीना और 5 डे को जो है घंटा में निकालना है। इसको किस तरीका से निकालेंगे, इसीलिए अब 2 months इक्वल टू 2 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज, इसीलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, 2 मंथ्स को मल्टीप्लाई किए हैं 30 दिन से, तो कितना होगा 6 डेज, 2 महीना में कितना डेज हो जाएगा, 16 डेज, इसीलिए 60 डेज को घंटा में बदलना है, तो 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, इसीलिए 60 डेज को 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, 24 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 1440, कितना आ गया, 1440। इसीलिए 5 डेज इंटू मल्टीप्लाई 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें आप 5 दिया हुआ है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120। अब दोनों को मिला ऐड करना है कि 2 months 5 days में कितना दिन कितना घंटा आता है, तो 2 months 5 days इक्वल टू
1440 प्लस 8 120 इक्वल टू 1560 घंटा 1560 घंटा कितना दिन में, कितने दिन में, दो मंथ फाइव डे में 1560 घंटा आएंगे, घंटा होगा। इसीलिए तीसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू सेकंड, आप कह रहा है कि सेकंड में इसको एक्सचेंज करना है, बदलना है, 45 मिनट दिए हुआ है, 45 मिनट को सेकंड में लाना है, तो 45 सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, एक घंटे में कितना सेकंड होता है 60, इसीलिए 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो कितना आ जाएगा 2700 सेकंड। नेक्स्ट है 2 आवर्स, अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटा, अब इसको भी सेकंड में करना है, 2 घंटा को सेकंड में करना है तो क्या करेंगे उसको, फिर 2 आवर्स को कर लेंगे, 2 आवर्स में कितने घंटे हो जाएंगे 120 इंटू मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 7200 सेकंड, दो आवर्स में कितना आ जाएंगे 7200 सेकंड। थैंक यू।